हे गाइज इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोग के लिए टॉप 10 ऐसे लॉन्चर्स लेके आ गया हूँ जिनको अगर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों के डिवाइस का ऑल ओवर द जो लुक होता है वो टोटली चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये सारे लॉन्चर्स आप लोगों को फ्री एंड प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाते हैं और इन सब की जो डाउनलोडेबल लिंक है वो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लॉन्चर्स को ढूंढना और वीडियो बनाना, तो अप्रिसिएट करो वीडियो को लाइक करके और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। करते हैं वीडियो को हम लोग स्टार्ट। तो गाइज हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला लॉन्चर आता है ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉन्चर है एंड इसी के साथ साथ इस वाले जो लॉन्चर का आप लोग लुक देख सकते हो, होम स्क्रीन लुक आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। उसी के बाद इसका जो आपको ऐप ड्रॉरर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक देखने को मिलता है। एंड ये वाले लॉन्चर की जो बात है, सबसे अच्छी बात यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमल आप लोगों को लुक में देखने को मिलता है। साइड में इसके यहाँ पे आपको कुछ यूटिलिटीज़ के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं लाइक कॉन्टैक्ट मैसेजिंग, गैलरी, फाइल्स एटसेट्रा। के साथ साथ अगर हम लोग इसकी सेटिंग्स को देखें तो सेटिंग्स के अंदर भी आप लोगों को थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां पे आप लोग लाइट, डार्क एंड ट्रांसपेरेंट थीम को सेट आउट कर सकते हो। और ये वाला जो लॉन्चर है ये रियली में मेरा पर्सनल फेवरेट लॉन्चर है। यहां पे आप लोग काफी इजीली अपना कोई सा भी होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो और ये वाला ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। इसके ऐप ड्रॉअर के अंदर आप लोगों को साइड में ये एक नेविगेशन की भी देखने को मिल जाती है जहाँ से आप लोग इजीली नेविगेट कर सकते हो। इस वाले लॉन्चर का नाम है मटेरियल लॉन्चर, आप लोग चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लॉन्चर आता है ये एक काफी ज्यादा अच्छा लॉन्चर है और इस लॉन्चर को यूज करके आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज 11 का लुक। यस, आप लोगों को सिंपली ये जो लॉन्चर है इसके अंदर कुछ इस टाइप के चार इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ब्लर्ड इफेक्ट एंड आप लोगों को अलग अलग टाइप के यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को डिसेबल कर देते हैं एंड लिस्ट टाइप में आके इसको कंटिन्यू कर देते हैं एंड याला जो लॉन्चर है हमारा ओपन हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से आके देख सकते हो इस वाले लॉन्चर के अंदर हमें पूरा विंडोज 11 का लुक इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लस वाला, अगर आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन, शॉर्टकट्स, लॉन्चर एक्शन, विजेट्स एंड डिवाइडर एंड बहुत सारी चीज़ों को अपनी होम स्क्रीन के अंदर यहीं से ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कोई एक शॉर्टकट ऐड करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे एक शॉर्टकट ऐड हो चुका है और जो उसके शॉर्टकट्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क भी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग टैप करते हो और आप लोग अपने DCMI फोल्डर के अंदर जाके कैमरे वाले फोल्डर को सेलेक्ट करके अलाउ कर देते हो तो आप लोगों की जो फोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड करने लगेंगी। यस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो फोटोज़ हैं वो स्लाइड करने लग जाते हैं और इसके अंदर जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस इस लॉन्चर का नाम है स्क्वायर होम लॉन्चर, अगर आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वो आपको मिल जाएगी देखने को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन गाइज इसके बाद जो हमारा लॉन्चर आता है, बेसिकली इसको लॉन्चर आप लोग नहीं कह सकते, ये एक काइंड ऑफ लाइव वॉलपेपर है बट ये एक्ट ऐसे करता है जैसे कि ये एक लॉन्चर हो। यस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पे 3D एनिमेशंस हैं वो तो देखने को मिलती हैं इस वाले लॉन्चर के अंदर। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक लाइव वॉलपेपर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि वाटर फॉल या फिर आप लोग कह सकते हो रेनी वॉलपेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग अपने जो फ़ोन कॉन्टैक्ट एंड डायलर है उसको सेट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस को ऐड आउट कर सकते हो। ये वाला लॉन्चर रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर आप लोगों के डिवाइस में थोड़ा हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है तो ये लॉन्चर आप ही लोगों के लिए बना है। और इस वाले लॉन्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है फाइनल इंटरफेस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉन्चर है, आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी भी जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन गाइज ये वाला जो लॉन्चर है ये उन यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिनको अपने डिवाइस की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये वाला जो लॉन्चर है ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के सारे एप्लीकेशंस को एक फोल्डर के अंदर कैटेगराइज कर देता है। और ये वाला लॉन्चर डाउनलोड करने के बाद रियली में मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई, पता नहीं कैसे गट फीलिंग है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। आप लोग भी इस लॉन्चर को एक बार डाउनलोड करके देख सकते हो, क्या पता आपको भी यही वाली फीलिंग आए। उसी के साथ साथ आप
लोगों को साइड में एक मेन्यू देखने को मिल जाती है, जिसपे आप लोग टैप करोगे तो एक वॉइस असिस्टेंट टाइप का ऑप्शन आ जाता है। इस वाले लॉन्चर का नाम है स्मार्ट शॉट लॉन्चर। इसकी भी जो लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। देन गाइज, ये वाला जो लॉन्चर है ये मेरा पर्सनल फेवरेट लॉन्चर है, बिकॉज इसके अंदर का जो लुक है आपको किसी भी लॉन्चर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। यस गाइज, आप लोगों को यहाँ पे जो इंटरफेस है एकदम एप्पल वॉच की तरह है, बट एप्पल वॉच से भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों को आइकन्स हैं सारे के सारे आइकन्स एक ही मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से स्लाइड डाउन करते हो तो आपको आपका ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाता है, लाइक ये सर्च वाला बार है, यहीं से आप लोग अपने ऐप्स को टॉगल कर सकते हो। उसी के आप लोग यहां पे चाहो तो होम स्क्रीन पे अपने सारे के सारे एप्स को एज अ फेवरेट एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो। यहां पे अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को सिंपली स्लाइड डाउन करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, थीम वाले ऑप्शन के अंदर, एंड यहां पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अपने जो यहां पे लॉन्चर है इसको कस्टमाइज करने के, यहां पे इसकी होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के, एंड ऐप ड्रॉअर की सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप लोग अपने फेवरेट एप्स को भी यहीं से ऐड कर सकते हो। और ये वाला जो लॉन्चर है रियली में मेरा पर्सनल फेवरेट लॉन्चर बन चुका है, क्योंकि इसका जो लुक है वो है ही इतना ज्यादा अमेजिंग। अगर हम लोग बात करें इस लॉन्चर की तो ये लॉन्चर का नाम है हनी लॉन्चर। आप लोगों को प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, इसकी लिंक भी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। देन गाइज, हमारे लिस्ट में जो सिक्स्थ नंबर का लॉन्चर आता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमेज करने वाला है, बिकॉज ये वाले लॉन्चर के अंदर आपको जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलने वाला है विंडोज़ ओएस की तरह। यस, आप लोग विंडोज़ ओएस 11 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को ऑल ओवर द इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साइड में सारे के सारे सेटिंग्स एंड बाकी सब चीज़ें आप लोगों की देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ इस वाले लॉन्चर के अंदर आपको एक खुद का कंट्रोल पैनल, या फिर आप लोग कह सकते हो नोटिफिकेशन पैनल, या फिर कुछ भी कहो, वो देखने को मिल जाता है, जहां से आप लोग अपने वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट एंड बाकी सब चीजों को भी टॉगल कर सकते हो। तो है ना काफी ज्यादा अच्छा लॉन्चर। अगर हम लोग बात करें इस लॉन्चर के नाम की तो इसका नाम है यू लॉन्चर। आप लोग इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी देखने को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन गाइस, इसके बाद जो हमारा लॉन्चर आता है ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि यारा लॉन्चर है ही इतना ज़्यादा अमेजिंग। आप लोग यहां पर देख सकते हो इसका जो ऐप ड्रॉअर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को। उसी के बाद अगर हम लोग जाएं इस ऐप की सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग आइकन्स का कलर एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सेट आउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग अपना जो आइकन्स हैं उनके शेप्स को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग आइकन पैक भी इस वाले लॉन्चर के अंदर सेट आउट कर सकते हो। बेसिकली ये लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसका बीटा वर्जन अभी पहले चल रहा था, अब इसका फाइनल बिल्ड आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए। यहां पे आप लोगों को एस्केलेटर टाइप का लुक देखने को मिलता है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग इसका लुक है और काफी ज्यादा यूनिक वाला लॉन्चर मुझको पर्सनली लगता है। अगर गाइज हम लोग बात करें लॉन्चर की तो इसका नाम है स्केलेटर लॉन्चर। आप लोगों को इसकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चाहो तो जाके डाउनलोड करके इसको भी एक बार एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। इसके बाद का गाइस जो लॉन्चर है ये बहुत सारे ऐसे यूजर्स के लिए है जिनको बस एक होम स्क्रीन का लॉन्चर चाहिए होता है, बाकी कोई झंझट नहीं चाहिए होता, और चाहते हैं वो लोग कि उनका डिवाइस एकदम मिनिमल लुक के साथ चले, तो आप लोग इस वाले लॉन्चर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो आप लोगों को इंटरफेस है किसी भी लॉन्चर के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला, सिंपली एक कीबोर्ड देखने को मिलता है जहाँ से सिंपली आप लोग अपने जो ऐप्स हैं उनको सर्च कर सकते हो बस, और इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ है ही नहीं। तो कितना ज़्यादा सिंपल एंड क्लीन लुकिंग लॉन्चर है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो इस लॉन्चर को डाउनलोड एंड एक्सपीरियंस करना तो आप लोग सिंपली जाके सर्च कर सकते हो ये वाले लॉन्चर को एंड डाउनलोड इसका कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा लॉन्चर है ये। इसके बाद गाइस जो हमारा 9th नंबर का लॉन्चर आता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन में हेल्प करने वाला है, बिकॉज पर्सनलाइजेशन के मामले में ये लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी जो आप लोगों को विजिट्स देखने को मिलते हैं वो इनबिल्ड विजिट्स ही ऐसे हैं जैसे आप लोगों ने कोई KWGT का
पैक इंस्टॉल्ड कर रखा हो। उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा गूगल का सर्च बार देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर आ रहा है, ऐप ड्रॉअर का लुक भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिनिमल देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये वाला जो लॉन्चर है, ये ऐप ड्रॉअर की वजह से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे ऑल ऐप्स को देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग अलग अलग टाइप के जो एप्लीकेशन है उनको ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग जाते हो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन कलर्स का। अगर आप लोग उसको टैप कर देते हो तो आप लोगों के जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ इस टाइप के कलर्स आ जाएंगे एप्लीकेशंस के, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अगर आप लोग चाहो तो इस वाले लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी जो आप लोगों को लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। इसका नाम है वीके लॉन्चर। इसकी जो डाउनलोडेबल लिंक है वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग वहीं से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। गाइज, हमारा जो फाइनल लॉन्चर आता है, इससे ज़्यादा मिनिमल लुक आपको कोई सा लॉन्चर दे ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसकी होम स्क्रीन एंड ऐप ड्रॉअर हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बस सिंपल टेक्स्ट देखने को मिल जाता है एंड एक क्लॉक देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आइकन्स ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके ऐप ड्रॉअर की, तो ऐप ड्रॉअर इसका रियली में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। और उसी के बाद आप लोग अगर यहाँ पे चाहो तो आप लोग कोई से भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके क्लिक करके उसको डिलीट या फिर एडिट कर सकते हो। अगर आप लोग होम स्क्रीन पे यहाँ पे टैप करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो आप लोग इसकी थीम को भी सेट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की लाइट एंड डार्क थीम देखने को मिल जाती है, जो आप लोग अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, मेरे हिसाब से तो डार्क थीम ही बेस्ट है, क्योंकि डार्क थीम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। उसी के बाद आप लोग यहाँ पे इसकी जो क्लॉक है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इस लॉन्चर का नाम है फेदर लॉन्चर। आप लोग चाहो तो इस वाले लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी भी जो लिंक है वो मिल जाएगी देखने को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइज इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।